हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी गोइंग टू मेक वाइट सॉस पास्ता विद लीस्ट इंग्रेडिएंट्स, ताकि सब लोग इसे ना बना सकें इजीली और आसान तरीके से, इसको सब लोग अपने घरों पर बना सकें। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लेंगे पानी, उसमें हम डालेंगे सॉल्ट और उसमें हम डालेंगे ऑयल विद सम पास्ता। आप अपने हिसाब से पास्ता को ले सकते हो जितना आपको चाहिए, और उसी के हिसाब से सब चीज़ें आप अपनी एडजस्ट कर लेना। आपको अगर चेक करना है कच्चा है या नहीं, तो फिर आप उसका नाइफ की मदद से कर सकते हो। हमें सिर्फ 80% कुक करना है, ठीक है, 80% ओनली। देन स्ट्रेन आउट ऑल द वाटर एंड टेक अ पैन, पुट सम बटर एंड सम मैदा। आपको सेम अमाउंट लेनी है, सेम रेशियो होना चाहिए मैदा का और बटर का। मेरा 1 चम्मच है, मतलब 1 टीस्पून। एंड इसमें हम ऐड कर देंगे दूध, 1 कप मैंने इसमें दूध डाला। देन हम ऐड कर देंगे इसमें नमक, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। देन हम इसको थोड़ी देर तक ऐसे मिक्स करते रहेंगे जब तक ये बहुत ज़्यादा थिक से नहीं जाती, ठीक है। हमें इसको बिल्कुल थिक कर देना है ताकि वो एक क्रीमी सी सॉस जैसी बन जाए, ठीक है। एंड हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, आपको इसमें लम्स नहीं बनने देने बिल्कुल भी। सॉस में बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता, गंदा सा टेस्ट आता मेरा। तो उसमें लम्स बनने देना, विस्क का यूज़ भी कर सकते हो अगर आपको लम्स बन रहे हो उसको तोड़ना हो। आप इसमें पास्ता ऐड कर दो, उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दो स्वीट कॉर्न या जो भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हो। अगर वेजिटेबल्स और ऐड कर रहे हो तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें उनको अच्छे से फ्राई कर लो ऑयल में, और फिर इसी टाइम पे उनको ऐड कर दो। देन मिक्स ऑल द थिंग्स टुगेदर। आप चीज़ अभी भी डाल सकते हो, नहीं तो एक आगे चल के भी जब आप मतलब इसको व्हेन यू विल बी सर्विंग इट ना, जब सर्व कर रहे होगे उस टाइम पे आप इसमें चीज़ ऊपर से डाल सकते हो, फिर वो भी सही लगता है। एंड एंजॉय।